फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं एक नई रेसिपी जो दशहरे पर बनती है। ये है लौकी का रायता, लेकिन हम इसको एक अलग तरीके से बनाएंगे। जैसे आपने तो देखा, बनाते ही होंगे घर पर, लेकिन हम हमारे जैसे बड़े बनाते आ रहे हैं, हमारी दादी नानी, हमारी मम्मी, और अब हम उनके अनुसार हमने देखा है वे किस तरीके से बनाते हैं। आइए, आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने ये लौकी को साफ कर कद्दूकस की सहायता से इसको कस लिया था। और आइए, अब हम इसमें पानी डालकर उबलने के लिए रख देते हैं। देखिए, मैंने पानी डाल दिया है, अब मैं इसको गैस पर रख देती हूँ। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए उबलने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुकी है, देखते हैं। देखिए, ये उबल कर तैयार हो गई है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। और देखिए, हमने इसका पानी सारा अलग कर लिया है। मैंने 2 कटोरी दही ली है, और अब हम इसमें जो हमने लौकी उबाली थी वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। उबलने से पहले हमने जो इसमें गरम पानी गुनगुना कर डाला था, वो हमने इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए था, क्योंकि मैंने भी एक बार पहले ऐसे ही बनाकर देखा था घर पर, तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगा था और परिवार वालों को भी। इसलिए मैंने सोचा, चलो आज मैं आपके साथ ये अपनी रेसिपी अलग तरीके से शेयर करती हूँ। तो आप भी इसको ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको खाने में और सबको। हम इसमें डालेंगे दरदरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, ये मैंने भून लिया था, इसको बारीक कर लिया, थोड़ा सा हींग। अब इसको मिला देंगे। इसमें मैंने देसी तेल लिया है। देखिए, देसी तेल से स्वाद रायते का बहुत ही अलग आता है। अब मैं डालूंगी 2 लाल मिर्च। पहले हम इसको थोड़ा भून लेंगे। मेथी दाना, हो चुका है हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको गैस से इसमें डालकर ढक देंगे। इसको हमने इसकी भारी वजन की सहायता से ढक दिया है, ताकि इसका स्वाद आ जाए और इसकी भाप ना निकले। इसको हम 1-2 मिनट तक ढक कर रखेंगे। देखिए, अब हम इसको खोल कर देखेंगे। देखिए, इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें ऊपर से नमक डालूंगी ना चाहिए। अब मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल लिया है। अब हम इसको मिला देंगे। देखिए, हमारा रायता बनकर तैयार हो चुका है, और हमने इसको चावल के साथ सर्व करने के लिए रखा है। आप भी ऐसे ही बनाइए और मुझको भी कमेंट में बताइए कि आप अपने घर पर कैसे रायता बनाते हैं। और मेरी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और नई वीडियो में आने वाली नई वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।